अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हमजा वसीम PSX एनालिसिस से। अगर आज की मार्केट की बात की जाए तो आज की मार्केट 254 पॉइंट के साथ नेगेटिव बंद रही, 41,757 की सतह पे मार्केट बंद रही, एक हाईली नेगेटिव जगह पे मार्केट बंद रही। मार्केट ने आज एक इंट्राडे हाई लगाया 42,311 का और एक इंट्राडे लो लगाया अराउंड 41,724 का। वॉल्यूम्स आउटस्टैंडिंग रहे 123 मिलियन के KSE 100 इंडेक्स में, और KSE ऑल शेयर में 260 मिलियन के वॉल्यूम लगे जिनकी वैल्यू अराउंड 10.1 बिलियन के आसपास बनती है। तो ये कि वैल्यू अच्छी है, वॉल्यूम्स अच्छे हैं, लेकिन मार्केट में हमने मासिव सेलिंग विटनेस की फ्रॉम इट्स हाई। अगर आप हाई से कैलकुलेट करें तो मार्केट अराउंड 450 पॉइंट नीचे आकर बंद रही अपने हाई से। ये काफ़ी नेगेटिव चीज़ है मार्केट के लिए, हाई साइड से प्रेशर आया, लेकिन स्टिल हमने आपको जितने स्टॉक्स दिए थे उन सब ने आज भी बेहतरीन परफॉर्म किया और क्लोजिंग भी पॉजिटिव ही दी है। TRG का कल आपको बताया गया था, आपको TPLP का भी बताया गया था परसों वाली वीडियो में, ठीक है। और आज 20 का हाई लगाया, ऑल्दो नीचे आकर बंद रहा, 19 से नीचे बंद रहा, लेकिन स्टिल 40 पैसे पॉजिटिव रहा। उसी के साथ GGL कल की वीडियो में बताया गया, ऑल्दो हाई साइड से प्रॉफिट टेकिंग आई। GGL के हवाले से बताया गया, मुख्तलिफ अलग स्टॉक्स थे, ठीक है, टेक्नोलॉजी सेक्टर के हवाले से आपको बार बार बताया जा रहा था मेरा। तो ये क्या मासिव सेलिंग आज हमने देखी स्टॉक्स, आप ये देख लीजिए EPCL बेसिकली 61 के हाई लगाने के बाद 59.14 के पास बंद रहा, तो ये काफ़ी नेगेटिव चीज़ हो गई। AVN 79.70 का हाई लगाने के बाद 78 पे बंद रहा, ये भी आप देखें कितनी मासिव सेलिंग देखने को मिल रही थी। साथ ही में मुख्तलिफ आप जितने स्टॉक्स देखे तो आप TRG एक वाहिद स्टॉक था जो खड़ा रहा आखिर तक, अपर कैप की साइड के पास खड़ा रहा, वॉल्यूम्स भी इसमें इंप्रेसिव लगे, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि जो वैल्यू बनती है ट्रेडिंग की वो भी एक अच्छी वैल्यू है। तो बहरहाल अगर आप TRG के पॉइंट्स निकालते तो मार्केट यहाँ से मजीद आप कह लीजिए 100 पॉइंट आप नीचे गिन लीजिए मार्केट को 650 के पास। उसके अलावा आप देखें चाहे तो रिफाइनरीज हो गई, एक हाई साइड से सब में हमने एक इक्वल अमाउंट ऑफ प्रेशर आते हुए देखा। आप देखिए यूनिटी 22 रुपये का हाई के बाद कितने नीचे आकर बंद रहा। बहरहाल इसमें कुछ चीज़ें तो एक्सपेक्टेड थी। अब ये कि डॉलर को देखा जाए तो डॉलर मुसलसल उसका जो ये तेज़ी का तसलसल है वो बरकरार रहा और आज भी तकरीबन 236 के आसपास बंद होता हुआ दिखाई दिया है। काफ़ी नेगेटिव चीज़ है, वंस अगेन ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहे इंटर बैंक में डॉलर काफ़ी हाईली, ये तो नेगेटिव चीज़ है। साथ ही अगर आप इंटरनेशनल मार्केट्स को देखें, सबसे पहले अगर हम कमोडिटीज़ को देखें तो क्रूड ऑयल ये अच्छी बात है थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग पे आया 87.86, लेकिन वही बात हो गई ना, अब आपका यहाँ डॉलर बढ़ गया तो महंगा ही आएगा क्रूड ऑयल। गोल्ड को देखा जाए वो भी ऑल्दो 1700 के भी लेवल को ब्रेक किया है, लेकिन जब कन्वर्शन होगा आप डॉलर टू PKR तो ऑटोमेटिकली इनकी वैल्यू जो रेट्स है वो बढ़ जाएंगे। डॉलर इंडेक्स को देखा जाए तो डॉलर इंडेक्स आज हाई साइड पर रहा, जिसकी वजह से आज हमारी भी करेंसी ने भी उसका भी एक इम्पैक्ट लिया। साथ ही में अगर हम इंडियन मार्केट को देखें तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में भी आज सेलिंग देखने को मिली, तकरीबन 412 पॉइंट नेगेटिव बन रही। ऑल्दो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी अगर आप देखें तो हाई साइड से 700 पॉइंट नीचे बन रही, वो भी 300-400 पॉइंट पॉजिटिव ही थी हमारी मार्केट की तरह, गैप अप ओपन हुई तकरीबन वही सूरत हाल थी। वर्ल्ड मार्केट्स में काफ़ी हद तक मिला जुला रुझान ओवरऑल देखने को मिल रहा है। अगर हम देखें डेली एक्टिविटी पे तो अगर आप देखें तो TRG के आज तकरीबन 87 पॉइंट्स थे, आज पॉजिटिव कंट्रीब्यूट करता रहा फिथल दाऊद हरक्यूलस एबर्ट FFC फिर JLICL PSX मनी ब्रेवरी UBL FABL इंडस BHL नेशनल फूड्स कोलगेट और FABL पॉजिटिव साइड पर है। डिक्लाइनर साइड पर HBL मासिव सेलिंग, एंग्रो के अंदर सेलिंग आई, हक्को के अंदर ईफर्ट PPL OGDC मीज़ान बैंक चिराड सीमेंट MCBH MB कोहार्ट मारी फातमा POL और लॉटे केमिकल आज हाई साइड से प्रॉफिट टेकिंग की तरफ आते हुए दिखाई दिए। अगर हम टॉप एक्टिव स्टॉक्स की बात करें तो आज जो टॉप एक्टिव रहा वो TRC रहा, 27 मिलियन का काम हुआ, तो 27 इंटू अगर आप 100 करते हैं मिलियन को तो अराउंड आप कह लीजिए 3 अरब की जो वैल्यू है ट्रेडेड वैल्यू वो तो सिर्फ TRG की है, ठीक है ना, ऑल्दो सिर्फ 27 मिलियन वॉल्यूम है तो 3.5 अरब जो वैल्यू है ट्रेडेड वो तो सिर्फ TRG की अकेले की है। फिर WTL को देखा जाए तो हाई साइड तकरीबन शायद गलत नहीं हो तो 1.27 रुपये से इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग आई। फिर TPLP भी नीचे साइड पे आते हुए बंद हुआ, FABL इसने डिविडेंड दिया तो एक्स भी हुआ, तो अभी जो इसका रेट चल रहा है वो एक्स रेट पे चल रहा है आज। इसके अंदर ऑल्दो अच्छी एक्टिविटी देखी हमने हाई साइड से, लेकिन इसमें भी प्रॉफिट टेकिंग रही। K-Electric 4 पैसे नेगेटिव रहा, डेली कार्ड भी आज अच्छी साइड हाई साइड पे परफॉर्म कर रहा था, लेकिन वही बात है फिर नीचे आके थोड़ा बंद रहा।
डबल जीएल हो गया, 13 पैसे, 16 रुपये, 80 पैसे खाए लगा, जी टेक नेगेटिव 15, सिनर्जी को देखा जाए इसे भी 1 पैसे नेगेटिव बन रहा, हेस्कॉल को देखा जाए तो 17 पैसे नेगेटिव बन रहा। टॉप एडवांसेस के अंदर सिवाय टीआरजी के तकरीबन सभी लिक्विड स्टॉक है, टीआरजी के अंदर अच्छा गेन आया, तकरीबन अपर कैप की साइड पे बंद रहा। टॉप डिक्लाइनर्स को देखा जाए तो तकरीबन ओ बॉय इसके अंदर एक हैवी सेलिंग देखने को मिली, भवानी एयर प्रोडक्ट्स भी आज लोअर कैप की साइड पे बंद रहा, बाकी तकरीबन सभी लिक्विड स्टॉक है। तो ये तो हो गए कुछ आज की मार्केट के हवाले से अपडेट, अब चलते टेक्निकल चार्ट पे और देखते टेक्निकली मार्केट कैसा मूव कर सकती है। इंशाल्लाह वंस अगेन भी आपके साथ कई स्टॉक्स आज भी हम एज यूजुअल डिस्कस करेंगे। मार्केट को अगर हम सबसे पहले देखते हैं, मैं इधर लगा लेता हूँ डेली टाइम फ्रेम, तो सबसे पहली जो चीज़ हम नोटिस कर सकते हैं वो आज की जो बड़ी ही प्यारी रेड कैंडल जो कि शो करता है मासिव सेलिंग को मार्केट में। हमने देखा गैप अप के ओपनिंग के बावजूद एक हाई लगा, लेकिन मार्केट बिल्कुल ही डाउन साइड पर बंद होते हुए दिखाई दिया मार्केट में, और अपने हाई से काफ़ी दूर बंद रही और अपने लो के बिल्कुल ही करीब आकर बंद रही है। ये एक कंसर्निंग चीज़ है। साथ ही में अगर आप वॉल्यूम्स को अगर आज के देखते हैं तो इस वीक के हाईएस्ट वॉल्यूम के साथ साथ ही ये हाईएस्ट वॉल्यूम आज लगे हैं तकरीबन 2 सितंबर के बाद, 2 सितंबर के बाद आज के वॉल्यूम्स हाईएस्ट वॉल्यूम्स हैं तकरीबन 1 सितंबर के बाद। बेसिकली 1 सितंबर को 153 मिलियन के वॉल्यूम लगे, उसके बाद हाईएस्ट वॉल्यूम आज के दिन लगे। वीकली बेसिस पे भी अगर आप मार्केट को देखेंगे तो वीकली बेसिस पे अभी तक मार्केट हैज शेडेड 176 पॉइंट्स, 176 पॉइंट मार्केट इस वक्त डिक्लाइन पे है। अभी तक जो अच्छी बात है कि मार्केट ने अभी तक प्रीवियस वीक के लो को ब्रेक नहीं किया, ठीक है, जो कि अब ऐसा लग रहा है क्योंकि अब काफ़ी नज़दीक है ये लो। एवरेज क्लोजिंग की बात की जाए मार्केट की तो एवरेज क्लोजिंग मार्केट की 41,950 के पास बनती है एवरेज क्लोजिंग मार्केट की। अगर ये जो लो है आज का जो लो है वो ब्रेक नहीं होता तो मार्केट की एवरेज जो क्लोजिंग बनती है वो 41,950 के पास बनती है। तो चाहे डेली टाइम फ्रेम हो, डेली टाइम फ्रेम भी मार्केट प्रेशर के साथ बंद रही है, हाई साइड पे विक भी छोड़ी है जो कि आप एग्जॉशन ऑफ बुल कह सकते हैं या ओवरटेक ऑफ बियर्स कह सकते हैं कि उधर से बियर्स ने काफ़ी अच्छी तरीके से मार्केट को ओवरटेक किया और फिर नीचे जाकर बंद रही। ऑल दो टेक्नोलॉजी सेक्टर स्टिल बहुत ज़्यादा मुतासर नहीं हुआ। अब चलते हैं आवर्ली टाइम फ्रेम में और डिस्कस करते हैं मार्केट की अगली वेव, अगली स्विंग वेव कैसी बन सकती है। आवर्ली टाइम फ्रेम में अगर आप अभी तक मार्केट को देखेंगे तो मार्केट वंस अगेन अब उन्हीं लोस की तरफ आ गई है जहाँ से मार्केट ने रिसेंटली एक अच्छा बाउंस बैक शो किया, ठीक है। अब वो लो कौन सा लो है, वो है बेसिकली मैं अगर ड्रॉ कर दूँ इधर 41,670 से लेकर तकरीबन 41,720, ये टोटल मार्केट का एक इम्पॉर्टेंट बॉटम लेवल है। मार्केट इधर से इस लेवल को ब्रेक नहीं किया है काफ़ी टाइम से और उम्मीद ये है कि ये लेवल एक इम्पॉर्टेंट मार्केट के लिए बाउंस बैक का भी लेवल साबित हो सकता है। RSI को भी देखा जाए तो आप देखेंगे आज जो RSI ने हाई लगाया 69.58 का लगाया और RSI जो है आपका उसने बेसिकली आप कहे तो उसने जो क्लोजिंग 70 है उसके ऊपर जाने में उसने नाकामी शो की बेसिकली, जो कि यही शो करता है कि अप ट्रेंड नहीं, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि जब मार्केट अप ट्रेंड में होती है तो RSI आपका बार बार ओवर बॉट की पोजीशन में ओवर बॉट की पोजीशन पर जाता है और उसी के अंदर ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है, और जब मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर होती है तो RSI आपका ज़्यादा टाइम अपना ओवरसोल्ड के रीजन में गुजारता है और ओवर बॉट के पोजीशन में जाने से पहले ही नीचे आ जाता है। ये एक सबसे बड़ी मैंने आपको निशानी बताई है। मेरा अगर अब हम कल की मार्केट की बात करें तो मार्केट क्या है कि आज अपने हाई साइड से काफ़ी नीचे आकर बंद रही और बीच में एज सच मार्केट में कोई आप कह लीजिए रिकवरी नहीं है। अगर मैं आपको 15 मिनट का दिखाऊं इंट्राडे चार्ट तो आप देखेंगे RSI आपका हाईली ओवरसोल्ड पोजीशन के अंदर है और मार्केट ने हाई साइड से अराउंड 450 से 500 पॉइंट की करेक्शन की है और उसके अगेंस्ट एज सच कोई बीच में मार्केट ने रिकवरी नहीं की, सॉरी 600 पॉइंट्स तकरीबन 580 पॉइंट के करीब मार्केट ने करेक्ट किया है और ये बीच में एज सच मार्केट में कोई रिकवरी नहीं आई। तो इसके अगेंस्ट मार्केट में मान लीजिए कल के दिन मार्केट आज के दिन का लो ब्रेक कर लेती 41,720 का, तो नो डाउट मार्केट के अंदर वंस अगेन पॉसिबिलिटीज़ होगी मजीद नीचे जाए
और फिर मार्केट के अंदर चांसेस होंगे कि एक शार्प लो लगने के बाद मार्केट एक शार्प रिकवरी आपको दे सकती है, और ये एक्सपेक्टेड होगा। वंस अगेन मैं बता दूँ, 41,670 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। इसके ब्रीच होने पे जो मार्केट का अगला स्ट्रॉन्ग लेवल आएगा, मैं मार्क कर दूँ इधर, वो होगा 41,480 के पास, 490 तक 500 समझ लीजिए। अल्लाह ना करे ये भी ब्रीच हो जाए, जिसके कम उम्मीद है, लेकिन अगर अल्लाह ना करे ये लेवल भी ब्रीच हो जाए तो मार्केट का अगला स्ट्रॉन्ग लेवल 41,220 पे पास आएगा, और इसके बाद जो अल्टीमेट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है वो 41,000 का है। ठीक है, 41,000 का राउंड फिगर, जहाँ हायर साइड के लिए जो लेवल्स रहेंगे वो होंगे कि कल के लिए अगर मार्केट खुलते ही साथ, आप मान लीजिए 41,850 को ब्रेक करती है कल के दिन, खुलते साथ ही 41,850 लो को ब्रेक नहीं करती, डायरेक्ट हाई साइड पे खुलती है, तो मार्केट के अंदर होंगे चांसेस कि मार्केट 41,950 से लेकर 42,050 तक मूव करे, और फिर उधर से वंस अगेन मार्केट के अंदर हम बियर्स के अंदर मोमेंटम देख सकते हैं। तो ओवरऑल थोड़ा थोड़ा हाई साइड पे माल आपको बेचना चाहिए, जब तक आप मार्केट 42,050 या 42,100 के ऊपर ट्रेड नहीं करेगी, मार्केट के अंदर बेहतरी नहीं आएगी शॉर्ट टर्म में। ठीक है, वरना मार्केट के अंदर प्रेशर कंटिन्यू रहता हुआ दिखाई देगा हमें। फ्लिप साइड पे सारे लेवल्स बता दिए गए, मार्केट शार्प लो लगाती है, पॉसिबिलिटीज होगी क्या कहते हैं बाय ऑन डिप की, तो अगर मार्केट ऊपर खुले तो सेलिंग करनी है, नीचे खुलती है तो आप सेलेक्टिव स्क्रिप्ट्स के अंदर बाइंग का चांस ले ज़रूर सकते हैं। ठीक है, कई स्क्रिप्ट्स हो सकते हैं आपके, जिसके अंदर सीमेंट सेक्टर भी हो सकता है, सीमेंट सेक्टर के सेलेक्टिव स्क्रिप्ट्स, ठीक है, मैं इंशाल्लाह कुछ टाइम मिलता है तो आज डिस्कस भी करूँगा। उसी के साथ टेक्नोलॉजी सेक्टर अगर डिप लेता है तो उसके अंदर एक चांस बनाया जा सकता है, साथ ही में रिफाइनरी के बैरल थोड़े नीचे बाइंग लेवल जाएंगे, उसके ऊपर भी अभी हम डिस्कस करते हैं आज की वीडियो में। अब सबसे पहला जो स्टॉक है वो है, सबसे पहला स्टॉक है टीपीएलपी के हवाले से बात की जाए तो पिछली वीडियो में, जब मैं आपको वीडियो का तारीख भी एग्जैक्टली बता देता हूँ कब की है वो वीडियो, 13 सितंबर की वीडियो है, आप जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं। इस दिन हमने बाई कॉल दी टीपीएलपी की, और जो अटमोस्ट टारगेट था 1975 से लेकर 20 रुपये 21 पैसे था, और वो आज हमारा टारगेट अचीव होता हुआ दिखाई दिया, और अब उसी गोल्डन जोन से इसके अंदर आज रिजेक्शन आई है विथ ह्यूज वॉल्यूम्स। ठीक है, अब थोड़ी इसके ऊपर हम बात करें करंटली, अब क्या आगे पोजिशन बन सकती है टीपीएलपी की, तो करंटली जैसे हमने देखा टीपीएलपी ने एक रैली बनाई, किधर से बनाई, वो 17 रुपये 81 पैसे से लेकर उन तकरीबन 20 रुपये तक की आज एक रैली बनाई, उसके अगेंस्ट इसने ऐसे कोई करेक्शन नहीं ली, तो उसी के अगेंस्ट इसने आज करेक्शन भी हम लोग को काफ़ी हद तक मुकम्मल करती हुई दिखाई दिया है आज टीपीएलपी। और अब आप वंस अगेन देखेंगे तो वंस अगेन वो गोल्डन जोन के अंदर आया 18 रुपये 90 पैसे से लेकर 18 रुपये 63 पैसे, तो ये जो लेवल है ये इम्पॉर्टेंट लेवल है, तकरीबन जो 18.6 का जो आप ये लेवल देख रहे हैं ये हाईली इम्पॉर्टेंट लेवल है इस वक्त टीपीएलपी के लिए। इसके नीचे अगर ये क्लोजिंग दे दे आवर्ली टाइम फ्रेम में, तो फिर जो अगली पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी इसके लिए, तो सॉरी टू से लेकिन फिर ये मजीद हम लोगों को न्यू लोज भी देता हुआ दिखाई दे सकता है 17 रुपये के भी नीचे, 17 रुपये 80 पैसे के नीचे, जो कि अराउंड 17.5 का पहला लेवल बनेगा और 16 रुपये 90 पैसे का, क्योंकि मैंने इसके ऊपर पहले भी काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था टीपीएलपी को। लेकिन अब जो है इसके अंदर सिचुएशन वो ये है कि करंटली एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे, ठीक है, इधर एक इंट्राडे बाय अटेम्प्ट भी बनाई जा सकती है, क्योंकि मान लीजिए 15 मिनट शुरू की प्री ओपन वॉलीटेलिटी को आपने इग्नोर कर देना है, टीपीएलपी शार्प लो लगाती है आपने इग्नोर कर देना है, ठीक है, अगर ये कल खुलता है चांसेस हो सकते हैं कि अगर जो बंदा 18 रुपये 65 पैसे का स्टॉप लॉस ले या 60 या 50 पैसे का स्टॉप लॉस ले क्लोजिंग बेसिस आवर्ली या 15 मिनट में, तो एक बाय अटेम्प्ट बनाई जा सकती है विद द टारगेट, आप टारगेट ले पाएंगे अराउंड 19 प्लस, ठीक है, 19.5 का आप टारगेट, जो कि 50 पैसे से ऊपर ही बनता है टारगेट अगर आपको ये नीचे डिप साइड पर मिलता है। लेकिन आपको एक बात मैं बता दूँ, मैं ये आपको टीपीएलपी क्यों कह रहा हूँ इंट्राडे के लिए, कि मुझे इसमें एक रिकवरी की उम्मीद है, ठीक है, मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ क्योंकि ये फॉल आया तो उसमें एक रिकवरी की उम्मीद है, तो कोई कन्फर्मेशन नहीं है ना इसके अंदर, कोई अभी तक मूव की कन्फर्मेशन आई है, तो ठीक है, तो सिर्फ लेवल्स को अगर आप देख ध्यान रखिएगा उनके ऊपर ट्रेड करता है तो आप इसके अंदर एक ट्रेडिंग कर सकते हैं इंट्राडे बेसिस पर, उससे ज़्यादा नहीं खेलना। अगला जो स्क्रिप्ट है वो है बेसिकली यूनिटी अगर आपको 20 रुपये 90 पैसे से लेकर 20 रुपये 50 पैसे 20 रुपये के दरमियान में मिलता है, उधर कुछ कुछ एक्यूमुलेट किया जा सकता है फॉर अ शॉर्ट टर्म मूव, ठीक है, शॉर्ट टर्म रिकवरी की आप उधर एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं। उसकी बड़ी वजह जो है सबसे बड़ी वजह यह है कि RSI आर्ली टाइम फ्रेम में इसकी बाइंग डाइवर्जेंस दे रहा है, पिछली बार जब इसने नेगेटिव डाइवर्जेंस दी थी तो हमने आपको उधर इसकी सेलिंग कॉल दी थी, अब ये बाइंग डाइवर्जेंस शो कर रहा है करंटली
अर्ली टाइम फ्रेम पे। ट्यूनिटी को हमने पहले भी काफ़ी बार डिस्कस किया और इन लेवल्स को हमने हमेशा हाईलाइट किया है कि अगर ये हाई साइड पे जाता तो उसमें बेच बेच कर ही काम करना चाहिए। आज भी आप देखें हाई साइड से इसके अंदर मासिव सेलिंग आई है, ठीक है। तो पॉसिबिलिटीज़ है जो इनिशियल लेवल है उसका वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल 21 रुपये 10 पैसे जो कि ये करंटली ब्रेक करता हुआ नज़र आ रहा है। नहीं ब्रेक करता बात अलग है, लेकिन जो अच्छा जो लेवल मैं समझता हूँ इसके बाइंग के लिए है वो 20 रुपये 90 पैसे के नीचे है। भले इसके इससे पहले ऊपर घूम जाए, नहीं इसमें अंदर एंट्री नहीं लेनी क्योंकि वैसे ही कचरा स्टॉक है, ठीक है। तो इसके अंदर मैं आपको इसलिए एंट्री का बोल रहा हूँ क्योंकि इस वक्त थोड़ा थोड़ा इसके अंदर डाइवर्जेंस देख रही है, ठीक है। कोई कंफर्मेशन अभी तक इसके अंदर नहीं है, तो ये कि मैं उम्मीद करता हूँ अगर ये शार्प लो मारता है तो शार्प तरीके से रिकवरी भी दिखा सकता है। तो 20 रुपये 90 पैसे के अंदर अंदर मिले तो चांस के लिए लिया जा सकता है विद कम वॉल्यूम के साथ लिया जाना चाहिए। अगला स्टॉक है कैपको। कैपको को देखा जाए तो आज ही हाई साइड से प्रॉफिटिंग आई इसके अंदर। इसके अंदर भी ये कि हम एक रिकवरी की उम्मीद कर सकते हैं। अगर ये डिप लेता है आप इसको यहाँ से 31 रुपये तक एक्यूमुलेट कर सकते हैं। बेहतर 31 रुपये 50 पैसे से 31 रुपये के दरमियान मिले तो कम वॉल्यूम के साथ इसके अंदर भी एक बाई का चांस बनाया जा सकता है। जहाँ पे 32 रुपये इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल रहेगा, 32 रुपये ब्रेक करेगा तो 31.50 से 31 की तरफ ये डाउन साइड की तरफ मूव कर सकता है। उधर हमें उम्मीद होगी कि शॉर्ट टर्म में बाउंस बैक दिखाए क्योंकि 15 मिनट में आप देखेंगे तो थोड़ा ओवरसोल्ड पोजीशन के अंदर ये दाखिल होता हुआ नज़र आ रहा है। नहीं तो अगर आप हाई साइड के लिए क्योंकि इसने हाई साइड से प्रॉफिट टेकिंग भी दिखाई है तो हमें उम्मीद है यही होगी मजीद नीचे दिखा जाता है तो इसके अंदर एक हम बाउंस बैक की उम्मीदें लगा सकते हैं। एक कॉमेंट काफ़ी दिनों से आ रहा था बाइफो का, मुजम्मिल कमाल साहब कह रहे थे इसके हवाले से पूछ रहे थे। बहरहाल तो ये कह रहे थे कि ये कैसा है लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। लॉन्ग टर्म का अगर आप देखें तो अभी तक ये 200 तक इसने कितना हाई लगाया था, अराउंड 300 प्लस के हाई के बाद आज ये कितने पे खड़ा है, 67 रुपीज़ पे, ठीक है। देखिए बियाफो के हवाले से अगर आप लॉन्ग टर्म के हवाले से पूछ रहे हैं तो अगर हम इसके रेशियोज़ देखें तो 2016 से, ठीक है, जिनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है या इनका जो प्रॉफिट है आप कह लीजिए टैक्स के बाद वो तकरीबन 2016 के बाद से लेकर 2021 तक इसका हर साल डिक्लाइन होता हुआ दिखाई दिया है। आप देख सकते हैं 2016 में 398 मिलियन, फिर 320 मिलियन, उसके बाद अच्छा फिर एक जंप आया जैसे कि 2018 में 532 मिलियन आया, लेकिन उसके बाद वन सेकेंड वो ओवरऑल तो श्रिंक ही होता हुआ दिखाई दिया है। और अब 2021 में जो उसका आया था वो अराउंड 254 मिलियन का आया। और फिर अभी बियाफो की बेसिकली इसकी अभी एक मीटिंग भी आज अनाउंस हुई है जो कि फ्राइडे सितंबर 23, 2022 को होगी ईयर एंड के हवाले से, तो उससे फिर मजीद थोड़ा बेहतर हो जाएगा इसका एक व्यू। लेकिन अभी जो इसके 3 क्वार्टर के जो रिजल्ट्स आए हैं उसके बेसिस पर अगर हम इसकी बेसिकली चेक करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो वो अभी तक 250 मिलियन के आसपास ही है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ओवरऑल तो इसकी अर्निंग्स का जो ट्रेंड है ओवरऑल डिक्लाइन है, कभी ऊपर कभी नीचे, लेकिन ओवरऑल ये डिक्लाइन में, तभी हम इसका शेयर प्राइस में भी ड्रास्टिकली फॉल देख रहे हैं। ऑल तो ये बोनसेस और डिविडेंड देने वाला स्टॉक है, करंटली ये इसकी मिसाल एक फॉलिंग नाइफ के ही है, कैचिंग अ फॉलिंग नाइफ। तो मुझे नहीं लगता ये बेस्ट है, इससे अच्छे ऑप्शन शायद मिल सकते हैं। ऑल तो शॉर्ट टर्म में अगर ये एक रिकवरी दिखाता है तो ठीक है, इसका जो इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल रहेगा वो रहेगा तकरीबन वो 80 का है, वो ब्रेक करता है तो नो डाउट शॉर्ट टर्म में ये मूव कर सकता है अराउंड 95 से 115 तक मूव कर सकता है। वरना मुझे नहीं लगता इसमें, बहरहाल एक रिस्की स्टॉक है, स्टे अवे फ्रॉम इट बेहतर है, इससे अच्छे ऑप्शन मार्केट में मौजूद है। सर रियाज मिर्ज़ा कह रहे हैं शानदार एनालिसिस, बराए मेहरबानी एंग्रो कॉरपोरेशन में एंट्री लेवल बताएंगे। बहरहाल मैंने आपको पहले एंग्रो कॉरपोरेशन के हवाले से बताया हुआ है, वो वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं, वो बेसिकली अराउंड 2-3 दिन पहले की वीडियो है, 12 सितंबर की वीडियो, आप उसके अंदर जाकर चेक कर सकते हैं, उसके अंदर मैंने एनालाइज किया हुआ है। चले आज के लिए इतना ही, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ, मैं हूँ हमज़ा वसीम PSX एनालिसिस से।